इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने के बाद आई सुनामी से अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा घायल, राहत और बचाव का काम जारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान से बीजेपी में हड़कंप, कहा अगर एमपी और एमएलए हारे तो इसकी जिम्मेदारी पार्टी अध्यक्ष की। असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे डबल डेकर बोगीबील ब्रिज का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में भी हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार, कुल 28 मंत्रियों ने शपथ ली। पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक मेहुल चौकसी का नया बहाना, कहा भारत आने के लिए 41 घंटे लंबी यात्रा नहीं कर सकता। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा आजकल चौकीदार चोरी कर रहा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी, श्रीनगर में 11 साल का रिकॉर्ड टूटा, घने कोहरे के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 घंटे तक फ्लाइट्स नहीं उड़ी, कई ट्रेनें भी कैंसिल। तीसरे टेस्ट के लिए भारत ने प्लेइंग 11 का ऐलान किया, ओपनर्स मुरली विजय और लोकेश राहुल टीम से बाहर, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा की वापसी, मयंक अग्रवाल डेब्यू करेंगे। और क्रिसमस के जश्न में डूबी दुनिया।